हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बोरीवली शॉपिंग क्लोथ हॉल। तो अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो आपको बोरीवली मार्केट यानी कि वेस्ट मार्केट आपको पता ही होगा। अगर मुंबई में नए हो तो आप बोरीवली की लोकल पकड़ के बोरीवली वेस्ट स्टेशन पे आपको उतरना है, उसी के बाहर ये मार्केट मिलेगा। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, या फिर काफ़ी वैरायटी की चीज़ें मिलती है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर सब मिलते हैं यहाँ पे। चप्पल, पर्स, शूज़, टी शर्ट, टॉप्स, पंजाबी ड्रेसेस, सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टॉप्स लिया है, टी शर्ट्स लिए हैं, कुछ नाइट पैंट्स लिए हैं, ट्रैक पैंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये येलोइश ग्रीन कलर का टॉप, जहाँ पे ऐसे प्रिंट बने हुए हैं। ये टॉप पे ऑल ओवर प्रिंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये टॉप ट्रांसपेरेंट है और इसका कपड़ा अच्छा है, इतना ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है, बट ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये टॉप को आगे से पूरे बटन से यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये फुल स्लीव्स का टॉप है और कॉलर भी है इस टॉप को, और काफ़ी सुंदर और सही टॉप है ये। ये टॉप की प्राइस थी कुछ 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ के हिसाब से ये काफ़ी सही टॉप है। इसकी स्लीव्स की बात करें तो ये बेल स्लीव्स का टॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और फ्लोइंग है ये टॉप। तो इसके स्लीव्स में भी बटन दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अच्छे से एडजस्ट होगा ये। तो ओवरऑल ये टॉप मुझे बहुत ही सही लगा। तो अगला टी शर्ट है वाइट कलर का, जो कि बहुत ही सही और कॉटन मटेरियल का है, जो कि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस पर ऑल ओवर प्रिंट बनाया है, जो कि काफ़ी प्रिटी है। ये नीचे का मटेरियल कुछ इस तरीके से है, जो कि स्ट्रेच होता है, यहाँ से देख सकते हो आप। और ये प्रिंट बनाया है जो काफ़ी प्रिटी है, यहाँ पर देख सकते हो आप। टॉप की डिटेलिंग की बात करें तो ये राउंड नेक का टॉप है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस टॉप का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेची है, तो पहनने के बाद ये काफ़ी सही है और कंफर्टेबल लगता है। ये टॉप हाफ स्लीव्स का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टॉप के पीछे के साइड पे भी पूरी सेम प्रिंट बनी है। ये टॉप की प्राइस थी 150 रुपीज़, तो 150 रुपीज़ में काफ़ी सही डील लगा मुझे ये। ये भी टॉप मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉप है। तो अगला टॉप मैंने लिया है येलो कलर का टॉप, यहाँ पे देख सकते हैं पॉकेट की क्यूट सी प्रिंट बनी है, जो कि पहनने के बाद काफ़ी सही दिखता है। इसका मटेरियल काफ़ी स्ट्रेची है और इसका मटेरियल कॉटन है, तो पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसका नेक है राउंड नेक, और ये हाफ स्लीव्स का टॉप है और इसकी प्राइस थी 150 रुपीज़। ये टॉप बैक साइड से पूरा प्लेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहनने के बाद काफ़ी सही लगता है ये टॉप। तो 150 रुपीज़ के हिसाब से ये टॉप मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो अगला टॉप है राउंड नेक का ऑरेंज कलर का टॉप, जो कि नीचे से काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेची है, मटेरियल बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, और इसकी स्लीव्स जो है वो फुल स्लीव्स है, और उसके नीचे भी अच्छा स्ट्रेची मटेरियल है। उसका जो नेक है वो राउंड नेक है, जो कि विंटर्स के लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा। ये जो टॉप है उसका मटेरियल काफ़ी सही है, सॉफ्ट है, कॉटन मटेरियल है, और ये जो टॉप है वो पूरा प्लेन है, साइड से भी है, आगे से भी, पीछे से भी, पूरा प्लेन है, और इस टॉप की प्राइस थी 150 रुपीज़ अगेन, तो ये काफ़ी सही डील लगा मुझे। तो मेरे हिसाब से विंटर के लिए ये टॉप परफेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने टी शर्ट परचेस किया है, जो कि रेड कलर का है, कुछ इस तरीके से उस पर डिज़ाइन बनाया है, जो कि राउंड नेक है, और उसकी स्लीव्स जो है वो हाफ स्लीव्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मटेरियल है कॉटन। ये भी टी शर्ट काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो पहनने के बाद ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, और इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, तो ये टॉप आप किसी भी जैकेट के अंदर अच्छे से कैरी कर सकते हो। पीछे से टॉप ये कुछ इस तरीके से दिखता है, प्लेन है पूरा, सिर्फ स्लीव्स पर डिज़ाइन है, तो ये भी टॉप मुझे काफ़ी सही लगा। इसकी प्राइस थी 150 रुपीज़। मैंने जो नेक्स्ट परचेस किया है वो है मरून कलर का टी शर्ट, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। जो इसका नेक है वो राउंड नेक है, स्लीव्स है जो हाफ स्लीव्स है, और इसका मटेरियल है कॉटन, जो कि अच्छे से स्ट्रेचेबल है, और ये टॉप भी बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। ये भी टॉप आप किसी भी जैकेट के अंदर अच्छे से कैरी कर सकते हो, या फिर डेली वेयर में भी पहन सकते हो। इसका प्रिंट जो है वो काफ़ी सही है, तो वॉश करने के बाद ये नहीं जाएगा। इस टी शर्ट की प्राइस है 150 रुपीज़। ये टी शर्ट पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि प्लेन है, सिर्फ स्लीव्स पे डिज़ाइन है। तो नेक्स्ट टी शर्ट है जो मैंने परचेस किया है वो है मस्टर्ड येलो कलर का, तो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है ये टॉप, इसमें लिखा है MK47। ये टॉप आप डेली पहनने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको किसी जैकेट के अंदर भी कैरी कर सकते हो। इसका मटेरियल जो है वो है कॉटन, ये मटेरियल स्ट्रेची है। इसका नेक जो है वो राउंड नेक है, यहाँ पे देख सकते हो, स्लीव्स है जो हाफ स्लीव्स है, और इसके स्लीव्स पे भी ऐसे कुछ इस तरीके से प्रिंट बनाया है। इसका जो मटेरियल है वो स्ट्रेची है, और प्रिंट काफ़ी अच्छा है, तो धोने के बाद जल्दी से ये प्रिंट नहीं जाएगा। ये टॉप मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। ये टॉप पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके स्लीव्स पे डिज़ाइन है। तो नेक्स्ट टी शर्ट है ग्रे कलर का टी शर्ट, जिसका नीचे से देख सकते हो आप एप्पल कट है, जिसमें ओरिजिनल नाम से प्रिंट लिखा है। यहाँ पे ऐसे वर्टिकल स्ट्राइप्स है, और इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है, और इसका जो गला है वो राउंड नेक है, स्लीव्स है वो हाफ स्लीव्स है। मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रीदेबल है, और डेली यूज़ के लिए आप इसे आप अच्छे से पहन सकते हो, या फिर आप बाहर भी इसे अच्छे से पहन सकते हो। और ये मटेरियल है वो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इस टी शर्ट की प्राइस थी वो अगेन 150 रुपीज़ थी। कुछ पीछे से ये ऐसे दिखता है, तो सेम प्रिंट पीछे भी है, ओरिजिनल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी टी शर्ट मुझे काफ़ी सही लगा। नेक्स्ट टी शर्ट मैंने लिया है वो रेड कलर का है, जिसमें लिखा है आई एम यूनिक,
तो ये भी टी शर्ट मुझे काफ़ी सही लगा। इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये आप डेली वेयर के लिए या फिर बाहर पहनने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, स्लीव्स है जो हाफ स्लीव्स है, और इसका मटेरियल भी बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इसका मटेरियल काफ़ी स्ट्रेची है तो बहुत कंफर्टेबल और ब्रीदेबल है। इसका प्राइस कुछ 150 रुपीज़ था, तो ये भी काफ़ी सही डील लगी मुझे। और अगर पीछे से देखा जाए तो पूरा प्लेन है पीछे से, तो ये भी टी शर्ट मुझे काफ़ी सही लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैंने क्या क्या पैंट्स और ट्रैक पैंट्स लिया है। तो फर्स्ट पैंट मैंने ली है ये रेड मरूनिश कलर की, जो कि बहुत ही अच्छी है क्वालिटी इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही क्यूट मिकी माउस की प्रिंट बनी है, तो ये नाइट टाइम के लिए पहनने के लिए काफ़ी अच्छी है। उसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका बॉटम जो है वो नैरो है, मटेरियल काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो ईज़िली आप वेयर कर सकते हैं, और अच्छा खासा ब्रीदेबल भी है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये मुझे कुछ 180 ऐसे कुछ में पड़ी थी, और 180 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसका इलास्टिक अगर बोलूँ तो वो भी काफ़ी सही है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो ये अच्छी क्वालिटी का है, तो ये पैंट मुझे काफ़ी सही लगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैंने क्या लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लैक कलर की ट्रैक पैंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सही लगती है ये पहनने के बाद। इसमें साइड से डिज़ाइन है जो कि वाइट कलर में है। इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये रात में पहनने के लिए या फिर जिम में जाने के लिए या फिर जॉगिंग के लिए काफ़ी सही पैंट है, और इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ये पैंट भी नैरो बॉटम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये पैंट मुझे 200 में मिली थी, तो उस हिसाब से ये पैंट काफ़ी सही है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इस पैंट को आप किसी लाइट कलर के टॉप पे पहनेगा तो ये बहुत सही दिखेगी, अगर वाइट कलर के टॉप के साथ पैर करने के बाद ये तो काफ़ी सुंदर दिखेगी। इस पैंट का इलास्टिक है वो भी काफ़ी सही है। और इस पैंट में साइड में दो पॉकेट्स दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी पैंट मुझे काफ़ी सही लगी और काफ़ी अच्छी दिखती है पहनने के बाद। तो नेक्स्ट पैंट है रेड एंड मरूनिश कलर की, जो कि कॉटन मटेरियल है, जो कि नैरो बॉटम है। इसमें काफ़ी अच्छे क्यूट प्रिंट बनाए हैं जो कि हार्ट शेप के प्रिंट है, ये ऑल ओवर हार्ट शेप के प्रिंट बनाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये नैरो बॉटम है, मटेरियल काफ़ी सही है, स्ट्रेची है, तो आप ये अच्छे से पहन सकते हैं। डेली यूज़ में भी आप इसको पहन सकते हैं या फिर बाहर भी पहन सकते हैं। इसका इलास्टिक है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये बहुत कंफर्टेबल लगता है पहनने के बाद। इस पैंट के कॉस्ट की बात करें तो ये मुझे 200 में मिली थी, तो उस हिसाब से ये काफ़ी सही डील है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पैंट मैंने ली है ये मरून कलर की पैंट, जो कि डार्क मरून कलर में है। ये कलर काफ़ी सही दिखता है पहनने के बाद। इसके ऊपर सर्कल वाली वाइट कलर की प्रिंट है, तो ये पूरी पैंट पे ऐसी प्रिंट है। इसका मटेरियल काफ़ी स्ट्रेचेबल है, इसका मटेरियल कॉटन है, और ये भी पैंट नैरो शेप में है, नीचे से नैरो शेप में है। इसका मटेरियल काफ़ी थिक है, तो ये विंटर्स के लिए काफ़ी सही रहेगा पहनने के लिए, और ये आप डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हो, इतना कंफर्टेबल और सॉफ्ट मटेरियल है इसका। इसके इलास्टिक की बात करें तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये पैंट मुझे 170 रुपीज़ में मिली थी, तो ये काफ़ी सही डील है। इस पैंट को आप वाइट टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं, फिर वो बहुत ही सही अट्रैक्टिव दिखेगा। तो नेक्स्ट पैंट मैंने ली है वो रेड कलर में है, डार्क रेड कलर, जो कि काफ़ी अच्छा कलर है। उसमें सब जगह पे सर्कल वाली प्रिंट लगी है, जिसको पोल्का डॉट्स बोलते हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रिंट है। और इसका भी जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी ब्रीदेबल है, और वो काफ़ी स्ट्रेचेबल मटेरियल है, तो ये डेली वेयर में आप यूज़ कर सकते हो, बाहर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी इलास्टिक की बात करें तो ये काफ़ी सही है, सॉफ्ट इलास्टिक है, तो बहुत कंफर्टेबल लगता है पहनने के बाद। जो इसका मटेरियल है वो थिक मटेरियल है, तो अगेन विंटर्स के लिए परफेक्ट पैंट है। और इसका जो बॉटम है वो नैरो बॉटम है, तो ये परफेक्ट हग करता है आपकी बॉडी को, तो पहनने के बाद काफ़ी सही लगता है। ये पैंट मुझे 200 रुपीज़ में मिली थी, तो ये काफ़ी सही डील है मुझे लगता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा उस मार्केट में जाके। तो नेक्स्ट मेरा परचेस है, जो कि लास्ट परचेस है, वो है बेबी पिंक कलर की पैंट, जिसमें काफ़ी क्यूट स्टार वाले प्रिंट बनाया है, जो कि पूरी पैंट को बहुत क्यूट लुक देता है। इसका मटेरियल काफ़ी स्ट्रेचेबल है, पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल रखता है ये, और इसका मटेरियल है वो थिक है। विंटर्स में पहनने के लिए ये पैंट काफ़ी सही रहेगा, इसके ऊपर अगर वाइट या ब्लैक टॉप पहना जाए तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। नाइट वेयर में भी आप इसको पहन सकते हो। इसका इलास्टिक भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो पहनने के बाद ये कंफर्टेबल लगता है। ये पैंट मुझे अराउंड 170 रुपीज़ में मिली थी, तो ये काफ़ी सही डील है। तो गाइस, ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने बोरीवली मार्केट से ली थी। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसे लगा मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।